आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का प्रश्न नंबर 5। एक पंचभुज बनाओ जिसकी दो भुजाओं की स्थिति पूर्ण रूप से दी हो और भुजा AB के समान हो। तो हम क्या करेंगे, दो स्थितियां दी हुई है तो पहले उन्हीं स्थितियों को ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे AB रेखा ले लेंगे और इस पे दूसरी स्थिति जो हमारी दी है वो हम ले लेंगे। उसके लिए हमें प्रोटेक्टर की आवश्यकता होगी और हमें प्रोटेक्टर लगाना आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे लगाते हैं। डी को, ये जो आपकी रेखा है यहाँ जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हम इस ए पॉइंट पर रखेंगे यहाँ पे, और जो ये लाइन है इस लाइन को हम ए बी के साथ लगा देते हैं। मैं आपको लगा के बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। ऐसे हमने लगा दिया है तो ये आपका है 90 डिग्री, ये आपका पूरा 100 है, ये 110 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, 110 से दो पॉइंट हम पीछे ले लेंगे। इसको यहाँ पे हमने ये ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देते हैं। पहले इस पॉइंट के साथ हम रेखा लगा देंगे ऐसे, और हमने हल्की लगाई है क्योंकि अभी इसको हमने ए बी तक नापना है। और इसको एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा एंगल जो है वो सही है। तो मैं इसको देख लेता हूँ, ये आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए ये लाइन बिल्कुल बी जो है वो, ये देखिए ये पॉइंट इधर मैंने लगा लिया है, ये देखिए ये आपका 110 है, ठीक है, ये आपका 110 है और ये 110 से 2 डिग्री छोटा है, मतलब 108 डिग्री का, तो कोण हमारा सही है। अब हमने क्या करना है, जितनी हमारी ए बी रेखा है हम इतनी प्रकार खोलेंगे ये, और हम इसको ए बी को जो है वो ए बी के समान इस रेखा को काट देंगे। ऐसे हमने काट दिया है और जो ऊपर की हमारी लाइन है इसको हम वो मिटा सकते हैं, ये हमारी फालतू लाइन है। और इस लाइन का जो नाम है ये नीचे है पॉइंट हमारा, ऊपर ये डार्क हो गया है, ये हमारा पॉइंट है, इसका नाम हम दे देते हैं सी। अब हमें इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमने ए और बी रेखा जो है इसका समद्विभाजन करना है। सबसे पहले दो स्थितियाँ दी थी वो हमने ले ली थी, अब हम जो है वो समद्विभाजन करेंगे। हम ए सी का भी समद्विभाजन कर देंगे इसी तरह से सी पर प्रकार करके। यस, हमने ये चापे लगा दी है, अब हम इनको आपस में मिला देंगे। ये सब डॉटेड कार्य रहेगा। अब हम इसको भी मिला देंगे, ये देखिए। अब ये ए बी रेखा की समद्विभाजन रेखा और ए सी रेखा की समद्विभाजक जो रेखा आ रही है यहाँ इस पॉइंट पे कट रही है, इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ओ। अब हम इसको हल करने के लिए और अगला कदम क्या उठाएंगे कि हम क्या करेंगे, जितना हमारा ए ओ से सी है या फिर ओ से बी है, ये देखिए इतनी प्रकार खोल के हम जो है वो चाप लगा देंगे। ऐसे ये हमारी चाप कंप्लीट हो गई है। अब हमने ए से बी जितनी प्रकार खोलनी है ऐसे बी जितनी प्रकार हम खोलेंगे और फिर हम इसको ऐसे काट देंगे, फिर हम इसको आगे काट देंगे
और हम इसको देख लेंगे, ये देखिए बिल्कुल बराबर कट रही है। इसका मतलब कि ये हमारा सही कोण बन रहा है। इसका नाम हम दे देते हैं ई और यहाँ नाम देते हैं बी। हमने क्या करना है, बी और ई को आपस में मिला देना है ऐसे, ई और डी इसको भी हमने मिला दिया, डी और सी इसको भी हमने मिला दिया, और इस रेखा को भी हम डार्क कर देंगे क्योंकि पहले हमने ये हल्की लगाई थी। इस तरह से आपका जो है ये पंचभुज, और प्रश्न नंबर भी 5 ही है। आप यहाँ पे इसको ड्राइंग शीट पे अपनी जो स्क्रीन पे मैंने बन दे रखा है, जो आपके बुक में है, वो प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, उसी के हिसाब से ही ये यहाँ पे बना है और ये आपका कंप्लीट हो गया है। सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।